हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर चैनल द टाइम्स पेपर। मैं कृष्ण सिंह। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन। पिछली वीडियो से मैंने बता दिया था कि एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आज हमको इक्वेटोरियल पोजीशन पर जानना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए इन तक बने रहिएगा, बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बनाया है, आपको दिख रहा है ट्रायंगल शेप का, ये इक्वेटोरियल मैंने पोजीशन बनाया है यानी ट्रांसवर्स। और यहाँ पर मैंने दो पॉइंट चार्जेस लिए हैं, आप याद रखिएगा ये टू पॉइंट चार्जेस हैं और ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस मैंने स्मॉल एल लिखा है और इनके बीच की डिस्टेंस मैंने एल लिखा है। इस सेंटर से यानी दो डायपोल की सेंटर जो होती है उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, मैंने स्मॉल एल रखा है, ठीक। यहाँ तक समझ में आपको। नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ से इक्वेटोरियल पोजीशन पर बोला गया है, तो यहाँ से इस सेंटर से उसको मैंने डिस्टेंस को मैंने आर यहाँ पर ले लिया। क्या लिया? लिया आर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब जाने वाली बात यह है कि अगर आपको बोले कि इस ये एल है ये आर है तो ये वाली लेंथ क्या होगी, ठीक है, ये वाली लेंथ क्या होगी, तो आप इसको पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर प्लस एल, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हम जानते हैं हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब ये इसको भी समझना होगा, तो इसमें भी वही लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का 1/2, ठीक। अब इस पॉइंट को हम कुछ नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को मैंने पी मान लिया, घबराइए मत, इसको मैं क्या कर रहा हूँ डिटेल बता रहा हूँ। तो पहले फिगर को थोड़ा बड़ा हम एलोबरेट फॉर्म में समझ लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे हम बनाते चलेंगे, ठीक है। ये पॉइंट चार्ज था और इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पर क्या है, इसको हम क्या बनेंगे, टेस्ट चार्ज। दिस टू आर पॉइंट चार्ज एंड ये टेस्ट चार्ज। यहाँ पर इस चार्जेस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो यहाँ पर क्या कहेंगे इसको, टेस्ट चार्ज। कोई भी चीज़ें अगर आप टेस्ट चार्ज रखते हैं तो यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इस बात को समझिए कि दो चार्जेस रखी हुई हैं और इन चार्जेस पर हम कोई अगर टेस्ट चार्ज रखते हैं, ये पॉइंट चार्जेस हैं, टेस्ट चार्ज रखेंगे तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगी, यही हमको मेजर करना है, इसकी वैल्यू और इसके इक्वेशंस इसको समझना है, ठीक है। तो इसके अलग अलग चीज़ें होंगी, आप इसको समझिए। जैसे ये एंगल कुछ बना रहा है तो यहाँ पर एंगल को हम क्या रख लेंगे, थीटा रख लेंगे। यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है तो क्या बनाएंगे, इसको भी थीटा मान लेंगे, ठीक। यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा। अच्छा, ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी, क्या होगी, इधर। मैं थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, आप इसको थोड़ा माइंड नहीं कीजिएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। अच्छा, ये निगेटिव है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो सकती है, इधर हो सकती है, इसके जस्ट अप्रोच में यानी टूवर्ड नेगेटिव। अच्छा, ये समझिए कि अगर कोई टेस्ट चार्ज रखते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सीधे जाएगी, और यहाँ पर अगर कोई रखते हैं तो निगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ठीक। यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा, आई होप। तो अगर ऐसे जा रही है तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बेसिस पर क्या लिख सकते हैं, ई प्लस क्यू के बेसिस पर, ठीक है। और इसको आप मान सकते हैं ई माइनस क्यू के बेसिस पर, ठीक है। इस यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये तो रहा हम लोग का ये सब चीज़ें। अब हम समझते हैं इसके दो इक्वेशंस। अगर हम अब समझिए इसको, मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूँ कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो अगर ई अगर पॉजिटिव के बेसिस पर देखा जा रहा है चार्ज के बेसिस पर, तो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पर। अगर हम ड्यू टू नेगेटिव चार्ज के बेसिस पर रखें तो नेगेटिव इज इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसको एक बात समझिएगा कि ये दोनों इक्वेशंस आपको सेम दिख रहे हैं, इसका मतलब कि इसके मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो यहाँ पर लिखेंगे मैग्नीट्यूड आर सेम, ठीक है। मैग्नीट्यूड यहाँ पर क्या है, सेम। तो यहाँ पर देखिए इस इक्वेटर लाइन से जो जाएगी, तो इसको हम लाइन को थोड़ा सा और ड्रॉ कर देते हैं, ये ड्रॉ कर दिए, ठीक है।
और यहाँ पर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके जस्ट पैरेलल, इस लाइन के जस्ट पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हम लोग का हुआ ठीक। अब ये समझिए कि अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसकी जस्ट अल्टरनेट एंगल भी क्या बनाएगा, थीटा एंगल ठीक है। ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, तो ये भी क्या बनाएगा, थीटा एंगल ठीक है। अब ये समझिए कि अगर ये यहाँ पर एट द यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बनेगा कॉस थीटा, क्या बनेगा, ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा, और ये भी बनेगा ई कॉस थीटा। तो यहाँ पर इसकी जस्ट क्या बनेगा, ई साइन थीटा, क्या बनेगा, ये ट्रांसवर्स पर देखेंगे, ये जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर क्या देखेंगे, ई साइन थीटा हो जाएगा ये, और इसके जस्ट अपोजिट ये भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा ठीक है। तो ई साइन थीटा, अब इसको समझिए आगे, मैग्नीट्यूड सेम था तो अगर हम ई साइन थीटा बीइंग अपोजिट, क्या है, अपोजिट है तो क्या करेगा, कैंसल, कैंसल ईच अदर, कैंसल ईच अदर, साइन थीटा एक दूसरे के अपोजिट है देखिए यहाँ पर, और ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, यहाँ पर ये दिखा देते हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बट यहाँ पर ई कॉस थीटा क्या होगा, देखिए ई कॉस थीटा इज सेम, एक ही जगह है देखिए, एक ही तरफ डायरेक्शन है, तो ये क्या करेगा, सेम डायरेक्शन यहाँ पर लिख सकते हैं, सेम डायरेक्शन, तो क्या करेगा, एड अप, एड अप ठीक, यहाँ तक समझ में आपको। तो अब देखिए इक्वेशन अब शुरू हो रहा है, तो लिखेंगे E इज इक्वल्स टू टू ई कॉस थीटा ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, कॉस थीटा को मैंने ऐड कर दिया, ई वन एक ई टू, तो मैंने इसको बना दिया टू ई कॉस थीटा ठीक है। अब यहाँ समझिए कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो आप देखेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो अब लिखेंगे इस इक्वेशन को, तो ई इज इक्वल्स टू टू, ई की वैल्यू हम रखेंगे, ई की वैल्यू मैंने पहले बता दिया था, ये वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू बेस बाय हाइपोटेनियस होता है, तो बेस हमको एल पता है और हाइपोटेनियस ये पता है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का वन बाई टू। यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप। नेक्स्ट समझिए इसको कि अगर ये चीज़ें हैं, अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर आप जानते हैं एक की चीज़ और कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपने बताया था, क्या बताया था, डाइपोल मोमेंट्स। तो डाइपोल मोमेंट अगर नहीं जानते हैं तो आप जाकर पिछले वीडियोस में मेरे फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, डाइपोल मोमेंट पर मैंने बनाया वीडियो। तो डाइपोल मोमेंट में डाइपोल मोमेंट को पी से दिखाते हैं तो हो जाएगा क्यू इंटू टू एल ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, एक टू और क्यू इंटू टू एल, तो हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, क्या हो जाएगा, P अपॉन। तो यहाँ पर एक देख समझिए कि यहाँ पर इसका पावर कितना है, इसका पावर केवल वन है और इसका वन बाई टू है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का थ्री बाई टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू। अब नेक्स्ट इसको समझते हैं ठीक है। यहाँ पर मैं नेक्स्ट इसको आगे बनाता हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख लूँ समझने के लिए, तो लिखूँगा E इज इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का थ्री बाई टू ठीक है। यहाँ पर L की डिस्टेंस को देखिए R के कंपैरिजन में, तो L की डिस्टेंस बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू R की डिस्टेंस में, तो उसके हम क्या कर लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे, किसको, हम लोग L को निग्लेक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे कि L इज अ मोर लेसर देन आर ठीक है। यहाँ पर मैं ये बना देता हूँ, समझ में आपको, फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, अब निगलेक्ट करेंगे तो आप समझिए इसको कैंसिल आउट हो जाएगा, एल हट गया तो क्या हो जाएगा, बन जाएगा पूरी तरह से पी अपॉन आर क्यूब, क्या बन जाएगा, पी अपॉन आर क्यूब
ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन होगा इक्वेटोरियल पोजीशन पर, यहाँ लिख सकते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पूरी डिटेल में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन बताया है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर आप किसी दोस्तों को बताना चाहते हैं तो शेयर भी कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा शेयर करके, कमेंट कीजिएगा कोई क्यूरीज हो तो। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।